ओके, नेक्स्ट इज वर्ड प्रॉब्लम्स. आपने अपने नेक्स्ट पेज से वर्ड प्रॉब्लम्स स्टार्ट करने, ठीक है. क्वेश्चन नंबर वन इज आयशाज ग्रैंड मदर बाइज 3 by 4 meter ऑफ लैस फॉर हर हैंकर चीप. शी यूज ओनली 2 by 3 meter ऑफ द लैस. वट लेंथ ऑफ लैस इज लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है. इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपके पास गिवन क्या है, 3 by 4 meter लैस गिवन है, ठीक है, जो आयशा की ग्रैंड मदर ने परचेज की है फॉर हर हैंकर चीप. अब उसमें से उसने 2 by 3 meter लैस यूज कर लिया. मुझे टोटल फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है व्हाट लेंथ ऑफ लेस इज लेफ्ट बिहाइंड. उसके लिए आप लोगों को सिंपली इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. लुक एट हियर, टोटल लैस जो गिवन है वो 3 by 4 meters है, यूज लैस 2 by 3 meters है, लेंथ ऑफ लैस लेफ्ट बिहाइंड. सिंपली दोनों वैल्यूज को मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये टोटल वैल्यू थी और यूज लैस है 2 by 3. 3 by 4 माइनस 2 by 3 किया, 4 and 3 का एलसीएम मेरे पास आ रहा है 12. तो मैंने दोनों के डिनोमिनेटर्स को 12 के इक्वल बना लिया. डिनोमिनेटर्स मेरे पास इक्वल हो गए, न्यूमिनेटर्स को मैंने माइनस किया. आफ्टर सब्ट्रैक्शन मेरे पास आंसर आ रहा है 1/12 meters. ऑब्वियसली आपके पास जो वैल्यूज गिवन है वो मीटर्स में है, तो आपका आंसर भी मीटर्स में ही होगा. ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ़ द ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 5 इज 4 by 5 centimeter थिक, हाउ हाई विल अ पाइल ऑफ 9 सच टेक्स्ट बुक्स बी. अब मेरे पास ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक है फॉर क्लास 5, उसकी थिकनेस है 4 by 5 centimeter. अब मुझे टोटल थिकनेस फाइंड आउट करनी है ऑफ 9 सच टेक्स्ट बुक्स. उसके लिए आप लोग क्या करोगे, सिंपली इन दोनों वाले इसको मल्टीप्लाई कर देना. थिकनेस ऑफ वन टेक्स्ट बुक गिवन है मुझे 4 by 5 सेंटीमीटर, ठीक है. थिकनेस ऑफ 9 टेक्स्ट बुक के लिए 4 by 5 मल्टीप्लाई बाय 9 किया. मल्टीप्लीकेशन के बाद मेरे पास आंसर है 36/5. 36/5 इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको मैंने मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया आफ्टर डिवीजन, विच इज इक्वल टू 7/1/5 centimeter. ऑब्वियसली वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है, तो मुझे यूनिट भी सेंटीमीटर में ही पुट करना पड़ेगा, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ देयर आर 9 whole 1/5 kg ऑफ मैंगोज इन अ कार्टन, वट विल बी द वेट ऑफ 15 such cartons. ठीक है, अब मेरे पास टोटल कितना केजीज मैंगोज गिवन है, 9 whole 1/5 kg मैंगोज गिवन है, ठीक है. मुझे टोटल वेट फाइंड आउट करना है और 15 such cartons. उसके लिए सिंपली आपने दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है. लुक एट हियर, वेट ऑफ 15 कार्टन इज इक्वल टू 9 whole 1/5 मतलब 15. आपके पास ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, आपने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया. देन कन्वर्ट करने के बाद आप लोगों ने देखा 5 and 15 की कटिंग हो सकती है. 5 and 15 का कॉमन डिवाइजर 5 है, तो 5 1 5 5 3 15 हो गया. 46 × 3 इज इक्वल टू 138 kg इज योर आंसर. नाउ नेक्स्ट इज If Ali covers 1/2 kilometer 9 times a day, how much distance does he cover in a day? अब टोटल जो अली ने डिस्टेंस जो कवर किया है वो 1/2 kilometer है और टाइम टोटल 9 times a day, ठीक है. अब टोटल डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है जितना वो पर डे कवर करता है. उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपने डिस्टेंस के लिए 1/2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है. 9 × 9 = 9/2. इसको आफ्टर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आफ्टर डिवीजन आपने इसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. 4 whole 1/2 kilometer इज योर आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. द रेस ट्रैक इन अ स्टेडियम इज 1 whole 7/8 kilometer लॉन्ग. इफ आदिल मैनेजेस टू रन अराउंड इट 4 whole 1/3 times, हाउ मेनी किलोमीटर हैज ही वन. अब रेस ट्रैक है जिसकी लेंथ गिवन है 1 whole 7/8 kilometer, ठीक है. अब टोटल नंबर ऑफ टाइम्स का गिवन है 4 whole 1/3 times जो है आदिल रन करता है अराउंड द रेस ट्रैक, ठीक है. अब मैंने टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उसके लिए आप लोगों ने सिंपली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है. टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 1 whole 7/8 × 4 whole 1/3. इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस गिवन है, प्रॉपर में कन्वर्ट किया, कटिंग कर ली 3 × 3 = 3, 5 = 15. एंड आफ्टर कैंसिलेशन मेरे पास 5 × 13 बचता है एंड 8 × 1 विच इज इक्वल्स टू 65/8 विच इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. उसको मैंने आफ्टर डिवीजन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया विच इज इक्वल्स टू 8 whole 1/8 kilometer. सो दिस इज योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज In a farm, 2 by 3 is used for growing vegetables. Potatoes are grown on 1 by 4 of this portion. What fraction of the total farm area is devoted to potatoes?
अब क्वेश्चन में मुझे गिवन है 2/3 पोर्शन में मेरे पास वेजिटेबल्स ग्रो हुई हुई हैं, ठीक है, और ऑफ 1/4 ऑफ दिस पोर्शन पे जो है मेरे पास पोटैटोज हैं. मुझे टोटल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है ऑफ मतलब व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल फार्म एरिया इज डिवोटेड टू पोटैटोज. तो मैंने लैंड फॉर पोटैटोज फाइंड आउट करनी है, उसके लिए मैंने क्या किया, लुक एट हेयर, लैंड फॉर वेजिटेबल्स गिवन है 2/3, लैंड फॉर पोटैटोज के लिए 1/4 ऑफ 2/3 करना है. 1/4 ऑफ 2/3 मीन्स कि मुझे इन दोनों वैल्यू जो टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 किया, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 2/12, 2 1 2, 2 6 12, सो 1/6 इज योर आंसर. ऑल राइट, ओके, सो दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड. इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट अवर न्यू एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन अल्लाह हाफिज़.